असत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। उद्धव ठाकरे की सरकार क्या गिरी, मानो कंगना रनौत के घर में नए फूल खिल गए हो। कंगना रनौत को उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने से सबसे ज्यादा खुशी है। यही वजह है कि कंगना रनौत ने ये नया वीडियो बनाकर उद्धव ठाकरे सरकार के काफी मजे लिए हैं। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में एक बार फिर से कूद पड़ी है कंगना रनौत, क्योंकि कहीं ना कहीं कंगना रनौत नहीं भूली है कि उद्धव ठाकरे ने उनके साथ क्या किया था। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल तो आया ही हुआ है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस आगे की रणनीति तय करने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में कंगना रनौत की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाने से लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी बॉलीवुड की इस क्वीन को ही हुई है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जहां पर उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार पर कंगना रनौत ने वार किया। आप भी सुनिए जरा ये पूरा वीडियो, जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहीं ना कहीं कंगना रनौत के दिल को काफी खुशी मिली होगी उद्धव सरकार के जाने से, क्योंकि ये वही उद्धव सरकार है जिसने कंगना रनौत का घर बुरे तरीके से गिरा दिया था। और अब जब उद्धव सरकार नहीं रही है, तो ऐसे में आप भी सुनिए उद्धव ठाकरे के बारे में क्या कुछ कहती नजर आ रही है कंगना रनौत। 1975 के बाद ये समय भारत के लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण समय है। 1975 में लोक नेता जेपी नारायण की एक ललकार से सिंहासन छोड़ो की जनता आती है, सिंहासन गिर गए थे। 2020 में मैंने कहा था कि लोकतंत्र एक विश्वास है, और सत्ता के घमंड में आकर जो इस विश्वास को तोड़ता है उसका घमंड टूटना भी निश्चित है। और ये किसी व्यक्ति विशेष की कोई शक्ति नहीं है, ये शक्ति है एक सच्चे चरित्र की। और दूसरी बात, हनुमान जी को शिव का 12वां अवतार माना जाता है, और जब शिवसेना ही हनुमान चालीसा को बैन कर दे तो उन्हें तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। हर हर महादेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे की सरकार पर तंज कसा हो। इससे पहले भी कई दफा संजय राउत संग कंगना रनौत की भिड़ंत हो चुकी है। आपको वो किस्सा तो याद है ना, जब कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया था। उस टाइम कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे सरकार को ललकारा था और कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, जल्दी तेरा घर भी टूटेगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है, तो कंगना का ये बयान काफी वायरल हो रहा है। उस वक्त जब बीएमसी ने कंगना रनौत का घर गिराया था, तो काफी गुस्से में कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में उस वक्त कंगना ने बताया था कि आज अगर उनका घर टूटा है तो ऊपर वाला इस दुनिया में है, वो बहुत जल्द उद्धव सरकार की ठाकरे को भी धूल चटाएगा। और आज जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे में कंगना रनौत भी मजे लेने से पीछे नहीं आई और उन्होंने ये वीडियो शेयर कर अपनी भड़ास निकाल डाली है। कंगना रनौत ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार पर तंज कसा है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका, जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।